सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आज क्लास 10 से 1.1 पढ़ा रहा हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको कलन विधि भी कहते हैं। तो हम क्या जानते हैं, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। इसको हम ए बराबर लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहां ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और क्यू और आर जो है कोई पूर्णांक है, ठीक है। जहां क्यू ओ जो है जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी होता है, बी से छोटा होगा भाजक से छोटा होगा शेषफल, ठीक है। ए क्या है, भाज है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। एक उदाहरण दे रहे हैं एक्सरसाइज का ही जो है, 135 और 225 का एचसीएम ज्ञात करेंगे विभाजन प्रमेय का द्वारा, ठीक है। तो यहाँ 225 मेरा बड़ा है 135 से, फिर 225 क्या है भाज है और 135 जो है भाजक है। तो 135 से इसको भाग देंगे, भाग विधि द्वारा जो है कलन विधि द्वारा इसको बनाएंगे, 135 से भाग देंगे एक बार में लग रहा है, तो शेष कितना है 90। तो 90 अब मेरा भाजक हो जाएगा, जो पहले भाजक था वो भाज हो जाएगा, इसको 135 को यहाँ लाना है, फिर एक बार में जाएगा, फिर एक बार में देखा तो कितना शेष आ रहा है 45 हो रहा है, तो 45 है ना, फिर भाजक हो गया, फिर 90 जो मेरा भाजक पहले था वो भाज हो जाएगा, फिर इसको भाग देंगे 45 × 90। इस प्रकार ये पूरा जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक ये विधि चलते जाएगा, ठीक है। अब यूक्लिड प्रमेय से जो है इसको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप में भाज मेरा 225 है, उसको लिखेंगे 135 × 1 भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। स्टेप दो में दूसरा भाज क्या है 135 है, तो 90 × 1 प्लस 45। अगला जो है भाज मेरा 90 है तीसरा स्टेप में, तो 45 × 90 जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ अंतिम भाजक मेरा क्या हो रहा है 45 हो रहा है, इसीलिए 135 और 225 का जो है एचसीएफ होगा वो 45 आया, ठीक है। इस तरह जो है इसको बनाना है, इसके आधारित जो है सवाल हम लोग को बनाना है, और नहीं बनेगा तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगला एक बता रहा सवाल जो अलग टाइप का है, उससे संबंधित सवाल भी बहुत सारा दिया हुआ है, बनाना है। बता रहे थोड़ा यहाँ पर दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर 6 है, जो यहाँ पर भाजक के रूप में जो है, ठीक है। यूक्लिड प्रमेय से क्या लिखेंगे, इसको ए के स्थान पर 6 लिखेंगे, 6q+r, जहाँ 0 < r लेस देन 6, 6 से छोटा होगा शेषफल, ठीक है। यानी संभावित शेषफल पर क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम, ठीक है। अगला देखो, जब r 0 लेंगे तो मेरा भाज क्या हो जाएगा, a बराबर 6q हो जाएगा, 6q+0 या 6q, ये सम पूर्णांक है क्योंकि 2 से विभाज्य है, ठीक है। अगला लेंगे r बराबर 1, तो भाज हो रहा है 6q+1 विषम पूर्णांक क्योंकि 2 से अविभाज्य है, एक जोड़ने के कारण ये अविभाज्य होता है, ठीक है। जब r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q+2, फिर सम पूर्णांक हो जाएगा क्योंकि 2 से विभाज्य है, 2 जोड़े हैं सम से का जोड़े हैं इसीलिए। जब r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर 6q+3 ये विषम पूर्णांक है क्योंकि 2 से अविभाज्य है। अब लेंगे r बराबर 4, तो क्या हो रहा है, भाज बराबर 1 बराबर क्या होगा 6q+4, ये सम पूर्णांक होगा क्योंकि 2 से विभाज्य है। r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर हो रहा है 6q+5 विषम पूर्णांक क्योंकि 2 से अविभाज्य है। अतः कोई
3 या 6 2 प्लस 5 के रूप का होता है। और समपूर्णांक रहा तो समपूर्णांक को लेते हैं और दिखाने के लिए कि समपूर्णांक दिखाएं तो 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4। इसी प्रकार जो है एक सवाल भी दे रहा है उसको बनाना है तुम लोग को, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ कोई पूर्णांक है, क्यों कोई पूर्णांक है, ठीक है। इसी से रिलेटेड सवाल आप लोग को बनाना है और नहीं बनेगा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है 9508329881। धन्यवाद।